मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गेहूं के आटे को हम कीड़े लगने से किस तरह से बचाएं। तो जब भी दोस्तों, यदि आप आटे का पैकेट लेते हैं तो हमेशा उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर देख लें। 1 मंथ से ज़्यादा पुराना आटा नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पुराना आटा बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। तो आप चाहें तो पैकेट वाला ख़रीद सकते हैं, और यदि चक्की से पिसवाते हैं दोस्तों आटा, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के आटे को ना पिसवाएं। 10 kg पिसवाएं या फैमिली के अकॉर्डिंग आप इसे पिसवा सकते हैं, ताकि 1 मंथ तक चले। जिस भी डब्बे में आप आटे को स्टोर करें, बढ़िया अच्छा धोकर साफ करके धूप में रखने के बाद ही नए आटे का पैकेट डालें। पुराने आटे में नए आटे को मिक्स ना करें। यहाँ पर सबसे पहले मैंने डब्बे के नीचे तेज पत्ते डाल दिए हैं दोस्तों। तेज पत्ते की एक जो तीखी सी गंध होती है, उसके कारण आटे में कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं, इल्लियाँ नहीं लगती। आपने देखा होगा कई बार हमारा आटा थोड़ा सा जुड़ सा जाता है, छोटी छोटी सफ़ेद सफ़ेद सी इल्लियाँ हो जाती हैं, बारीक बारीक सी इल्लियाँ। तो दोस्तों, इससे बचने के लिए आपको इन उपाय को करना है। तो ज़्यादा आटा ना खरीदें, हमेशा डेट देखकर खरीदें, चक्की में पिसवाएं, तो आप बिल्कुल 1 महीने चले बस उतना ही आटा आप एक साथ पिसवाएं। तो बस डब्बे में मैंने आटा डाल दिया है, नीचे तेज पत्ता रख दिया है, और आप चाहें तो ऊपर भी 2-3 तेज पत्ता रख दें। जब भी हम आटा लेंगे दोस्तों आटा गूंदने के लिए, तो तेज पत्ता तो हमें दिख ही जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने ली है सूखे नीम की पत्तियाँ। नीम को मैंने 1 दिन धूप में सुखा लिया था दोस्तों, और अब आप देख सकते हैं, यदि आप ऐसे ही इसकी पत्तियां डाल देंगे आटे में दोस्तों, तो कई बार क्या होता है, सूखने के बाद इसकी पत्तियां छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती हैं, और हो सकता है आटे में मिक्स हो जाए। इसलिए आपको किसी भी जिप लॉक बैग में नीम की पत्तियों को रखना है। आप चाहें तो जिप लॉक बैग में इस तरह से टूथपिक की मदद से थोड़े से छेद कर दें, जिससे कि नीम की खुशबू आटे में आती रहे। इससे भी आटे में कीड़े नहीं लगेंगे। या फिर आपके पास इस तरह पॉलीथीन में नहीं रखना है आपको, तो आप कोई भी कपड़े की पोटली बना लें। तो यहाँ पर मैंने अच्छा डार्क रंगीन कपड़ा लिया है दोस्तों, ताकि पोटली अच्छे से क्लियर दिखे। पॉलीथीन में रखें नीम की पत्तियाँ, या फिर आप कपड़े की पोटली बनाकर रखें। तो बस नीम की भी जो तीखी खुशबू होती है दोस्तों, उससे भी आटे में कीड़े नहीं लगते हैं। और बस बेलर की मदद से मैंने पोटली को बिल्कुल डब्बे के नीचे तक पहुँचा दिया है। और यदि आटे की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है दोस्तों, तो 2 पोटली बनाकर रखें। और इसके अलावा एक तरीका और है दोस्तों, कि आप चाहें तो नीम की पत्तियों को पीस कर इसका पेस्ट बना लें। और इस तरह से, जैसे कि हम बड़ी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मैंने भी इस तरह से नीम की पत्तियों का जो पेस्ट बनाया था गाढ़ा गाढ़ा, उसे इस तरह से बड़ी बना ली है। और 1 गोली को आपको आटे के डब्बे में रख देना है। इसे भी यदि आप सादी गोली को आटे में रखेंगे दोस्तों, तो हो सकता है सूखने के बाद छोटे मोटे इसके जो कण हैं वो निकल कर आटे में मिक्स हो जाएं। इसे भी आप जिप लॉक बैग में रखें, या फिर कपड़े की पोटली में रखें, और इस तरह से इस पॉलीथीन में छेद कर दें दोस्तों, ताकि इसकी खुशबू बनी रहे और कीड़े लगने ना पाएं। और ख़ासकर बारिश के मौसम में तो हमें आटे को कीड़े लगने से बचाना ही पड़ता है, क्योंकि ये मौसम ऐसा है जब बहुत ही तेज़ी से अनाजों में कीड़े लग जाते हैं, चाहे गेहूं, चाहे आटा हो, चाहे चावल हो। तो आप ये तरीका अपना सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा है हींग। आपको हींग पाउडर वाली नहीं लेना है दोस्तों, जो हमारे छोटे टुकड़ों वाली हींग आती है ना, बस वही लेना है। हींग की पोटली बना लें। आप देख रहे हैं मैंने भी अच्छे कपड़े में बांध के पोटली बना ली है, और बस 1 पोटली को आप आटे के डब्बे के नीचे रख दें। कभी भी आटे में कीड़े नहीं लगेंगे। और मान लीजिए कीड़े लग भी गए हैं, तो आप पोटली डाल दें और इस डब्बे को थोड़ी देर धूप में या बाहर रख दें, धूप में रख दें तो ज़्यादा अच्छा है, तो और ढक्कन को थोड़ा खोल दें, कीड़े अपने आप ही बाहर आ जाएंगे। सूखे नीम की जो डंडियाँ होती हैं, सूखे नीम के जो स्टेम होते हैं, आप उसे भी आटे के डब्बे में रख सकते हैं। खड़ा नमक भी बहुत बढ़िया प्रिजर्वेटिव है, इससे भी आटे में कीड़े नहीं लगते हैं। और कीड़े लगे भी हैं दोस्तों, तो नमक की गंध से, हमें तो नहीं आती नमक की गंध, परंतु कीड़े इसकी गंध से अपने आप ही डब्बे को छोड़कर निकल जाएंगे। माचिस की डिब्बी भी रख सकते हैं दोस्तों। माचिस के जो तिली होती है, इसमें ऊपर की तरफ लगा होता है सल्फर, और सल्फर की खुशबू से भी, गंध से भी कीड़े निकल जाते हैं। तो ये कई उपाय हैं दोस्तों, जिससे कि आप अपने अनाज को, आटे को कीड़े लगने से बचा सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और है दोस्तों, जब भी हम चपाती बनाते हैं, तो पलथन में जो हम सूखा आटा यूज़ करते हैं, उस आटे को आप आटे के डब्बे में मिक्स ना करें, क्योंकि पलथन में थोड़ा बहुत मॉइस्चर आ ही जाता है। बार बार हम रोटी को करते हैं दोस्तों, पलथन में लपेटते हैं, तो आप देख। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ
साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।